हम बिना किसी भी खाद के, बिना किसी भी दवाई के हम ये खेती कर सकते हैं। गन्ना लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, दाड़े लगाते हैं, हम गन्ने का जूस बना के जूस पिलाते हैं लोगों को। उस खेत से हमारे को 2.5 से 3 लाख रुपए, और जिससे हम गुड़ बना के बेचते हैं उससे लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारा मतलब इनकम हो जाती है। जैसे मोदी जी ने टीवी पे बताया कि वो सहजन के परौंठे खाते हैं और वो बहुत ही गुणकारी और उपयोगी हैं, तो लोगों ने उसको फिर खाना शुरू किया। गन्ना और बाग मिला के लगभग 8-10 लाख रुपए आराम से निकल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान अपनी एक खास डिश के बारे में लोगों को बताया था। उन्होंने बताया था कि वो सहजन का पराठा बड़े चाव से खाते हैं। फिर क्या था, सहजन का नाम आते ही सहजन की खेती करने वाले, जो सहजन का जिन्होंने पेड़ लगा रखा है, ऐसे किसानों की किस्मत चमक गई। आज हम रोहतक में हैं और ये रोहतक के इस गांव में एक किसान भाई से हमारी मुलाकात हुई जो सहजन की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। इसके अलावा हम जिन किसान भाई से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से 2009 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में नुकसान है, उनको ये वीडियो और ये स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए। हमारे साथ हैं फूल कुमार जी। फूल जी, गाँव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम फूल कुमार है, गांव बैणी मातो, तहसील मैम, जिला रोहतक। मैं वैसे तो खेती 1997 में मैंने संभाल ली थी, पर 2009 तक हम केमिकल फार्मिंग कर रहे थे। केमिकल फार्मिंग में कई बार क्या होता था कि जितना हमारा खर्च होता था ना, उतनी भी हमारी आमदनी नहीं होती थी, उतनी भी हमारी बिक्री नहीं होती थी जितना खर्च हो जाता था। खर्च बल्कि कई बार ज्यादा हो जाता था। तो हम कई बार ये सोचा कर दे कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो फिर हमने, राजीव दीक्षित जी ने हमारे को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी, टीवी पे हमने सुना, तो हमने फिर प्राकृतिक खेती शुरू करी। प्राकृतिक खेती शुरू की तो हमारे को पता चला कि हम बिना किसी भी खाद के, बिना किसी भी दवाई के हम ये खेती कर सकते हैं, और उससे, उस केमिकल फार्मिंग से ज्यादा पैदावार भी हम ले सकते हैं मेहनत करके। पर इस खेती में शुरुआती दौर में जब तक किसान सही से उसको समझता नहीं, जब तक उसको सही से सीखता नहीं और अपने खेत में सभी तरीके अपनाता नहीं, तब तक इस खेती में फायदा कम है या नुकसान भी है। और हमने भी ये नुकसान शुरुआती दौर में खाया है, क्योंकि जब तक हम बताए गए सभी तरीके अपने खेत में अपनाएंगे नहीं और वो काम करेंगे नहीं, तो ये जाहिर ही बात है कि उसमें आमदनी या मतलब पैदावार उसमें कम होगी ही होगी। अच्छा, अभी अगर हम समझे आपसे कि अभी आप कितने क्षेत्रफल में खेती करते हैं? मेरे पास 3.25 एकड़ जमीन अपनी है और 4.25 एकड़ किराए पे ली हुई है मैंने 9 साल के लिए। कई तरीके की फसलों की खेती करते हैं, बागवानी भी करते हैं, तो कैसे आपने इसको डिवाइड किया है? हमने अपनी जो जमीन है हमने उसमें टोटली में बाग लगाया है, और जो किराए की जमीन है उसमें हम गन्ना लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, दाड़े लगाते हैं, या और कोई भी हमने जो मतलब चीज लगानी है वो लगाते हैं, दलहनी तिलहनी ज्यादातर। हाँ जी। अच्छा, 2 एकड़ में आप गन्ने की खेती करते हैं, वो भी पूरी तरीके से प्राकृतिक होती है? सब कुछ पूरी खेती प्राकृतिक ही करते हैं। गन्ना हो या सब्जी हो या मतलब कोई भी दलहन तिलहन हो या मतलब बागवानी हो, हम बाहर से खरीद के, प्राकृतिक खेती का अर्थ है कि बाहर से खरीद के कुछ भी नहीं लेके आना, जो भी लेना प्रकृति से लेना या अपने खेत से लेना या अपनी गाय से लेना। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि आप जब 2 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं तो आपको प्रति एकड़ कितनी आय होती होगी गन्ने से? हम जिस एकड़ का हम गन्ने का जूस बना के जूस पिलाते हैं लोगों को, उस खेत से हमारे को 2.5 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ से मतलब हमारे को बचत हो जाती है, और जिससे हम गुड़ बना के बेचते हैं उससे लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारा मतलब इनकम हो जाती है। गन्ने की बात हो गई, अगर हम फिर सब्जी और दलहनी तिलहनी फसलों की बात करें तो उसका उत्पादन कितना होता है और उसकी मार्केट कहाँ पे है? हम हर चीज अपने खेत से बेचते हैं। अभी हमने कुछ चीज ऐसी थी जो खराब हो जाती थी, अभी हमने एक सोलर ड्रायर बनाया है, जो खराब होने वाले हमारे आइटम थे अब हम उनको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे हमने टमाटर को भी सुखाया है,
और सहजन के पत्ते को सुखाया, उसमें हल्दी को सुखाया है, ककड़ी को सुखाया है, सहजन की फली को भी सुखाया है। इनको सबको सुखा के और उसका पाउडर बनाना है, जिसका पाउडर बना देते हैं, नहीं तो उसको ऐसे ही सुखा के ग्राहकों को देते हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होती एक बार सुखाने के बाद। इसका बाजार कहाँ मिलता है आपको? नहीं, बाजार नहीं, हम जितना हमारे पास अतिरिक्त होता है उतना हम अपने ग्राहक के लिए और अपने घर के लिए सुखाते हैं। अच्छा, वो आप अपने लिए और आपसे जो जुड़े लोग जो ग्राहक हैं उनको आप सप्लाई करते हो। अच्छा, एक सवाल और, हम सहजन की बात कर रहे थे, सहजन आमतौर पर सहजन की सब्जी बनती है और ये उत्तर भारत में उसका काफी प्रचलन है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि भाई सहजन के पत्ते का वो पराठा खाते हैं, तब से इसका प्रचलन और ज्यादा बढ़ गया। आप अभी बता रहे थे कि आपके यहाँ से भी सहजन के पत्तों की खरीदने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है, क्या कीमत मिलती है इसकी और पहले के मुकाबले, पहले भी आप बेचते रहे होंगे, पहले के मुकाबले अब में कितना डिफरेंस आया है? देखिए, कीमत तो हम पहले भी 1,000 रुपए किलो देते थे ये पाउडर, और अब भी 1,000 रुपए किलो देते हैं, पर लोगों में जागरूकता बढ़ गई। जैसे मोदी जी ने टीवी पे बताया कि वो सहजन के परौठे खाते हैं और वो बहुत ही गुणकारी और उपयोगी हैं, तो लोगों ने उसको फिर खाना शुरू किया। लोगों को पता चला कि ये सहजन के का पाउडर जो है वो परोठों में डाल के भी खाया जाता है, तो कुछ लोगों को तो पता था, पर मोदी जी ने जैसे ही टीवी पे बताया तो लोगों को और मतलब पता चल गया, इसकी मतलब प्रचार हो गया इसका एक किस्म से। तो अभी आपके पास जो डिमांड आते हैं, हाँ, वो कितनी बढ़ गई है? पहले से लगभग हमारी 1.5 से 2 गुना डिमांड बढ़ गई है। फूल जी, अगर कोई प्राकृतिक तरीके से बाग लगाना चाहे तो वो कैसे लगा सकता है और किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक तरीके से बाग लगाए किसान तो मैं उसको सलाह दूंगा, एक तो वो सब पेड़ बीज से लगाए, क्योंकि बीज से जो पेड़ लगाते हैं वो उसकी एक तो उम्र है ना, वो लगभग 2 गुनी हो जाती है, और दूसरी बात क्या है कि उसके साथ जो नर्सरी से जो पेड़ लेते हैं उसकी तुलना उनके साथ धोखा हो जाता है किसान के साथ, और किसान को पता चलता है लगभग 3-4-5 साल के बाद। जब उसको पता चला है तो वो 5 साल की उसकी मेहनत चली जावा है और किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जावा है। और बीज से जब हम पेड़ लगावेंगे तो उसकी जड़ पूर्णतः नेचुरल तरीके से जाएगी, और पूर्ण नेचुरल तरीके से जाएगी, वो तूफान को भी बर्दाश्त करेगा पेड़, अकाल को भी बर्दाश्त करेगा, और कभी कभी मान लिया हमारे को पास पानी नहीं है या हमारे पास पानी कम है, तो अगर हम पानी नहीं भी देंगे तो भी वो चलेगा। अभी आपने अपने बाग में कौन कौन से वो लगा रखे हैं फल? हमने हमारे खेत में लगभग 25 से 30 तरह के फलदार पेड़ लगाए हैं। 25 से 30? हाँ, 25 से 30 तरह के, क्योंकि तीन मॉडल हमने लगाए हैं, तो तीनों में लगभग 3 से 5 तरह के फल हैं, सब में अलग अलग हैं, और कुछ पेड़ हमने अपने लिए लगाए हैं जो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे जामुन के 5 पेड़ लगा लिए, आम के 5-7 पेड़ लगा लिए, कुछ पेड़ हमने ऐसे लगाए हैं, तो लगभग 25 से 30 तरह के हमारे पास फल हैं, और सब में हर बाग में और कुछ ना, आम बता दिया आपने, जामुन बता दिया, इसके अलावा जैसे आंवला लगाया है और लोकाट लगाया है, ज्यादा जो पेड़ लगाए हैं वो तो हमने लगाए हैं, सेब आड़ू जो हमने बिक्री करने हैं, सेब आड़ू अंजीर नींबू अनार केला अमरूद नाशपाती बग्गू बोसा और मौसमी किन्नू, ये तो पेड़ लगाए हैं हमने ज्यादा, और सहजन भी बहुत ज्यादा लगाया है, ये तो ज्यादा लगाए हैं, और 5-5, 7-7, 10-10 पेड़ हमने हर तरह के लगाए हैं जितने हमारे यहाँ इस मौसम में हो सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि ये बीच में आप अपने बाग के बीच में ये आपने हल्दी भी लगा रखा है, तो इसका क्या वो है? कुछ जगहों पे हमने लेमन ग्रास भी देखा है, तो ये कैसे हुआ? प्राकृतिक खेती में प्रकृति का मतलब है हर चीज का समावेश, हर चीज उसमें होनी चाहिए। जैसे पेड़ हमने लगा दिए और नीचे जो खाली जगह बचेगी उसमें हमारे को आमदनी के लिए हल्दी या जो भी आप मतलब सब्जी, शुरुआत में जब हमारे पेड़ छोटे हैं तो कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, जब पेड़ बड़े हो जाएं और छाया हो जाए तो छाया में उत्पादन देने वाली चीज लगा सकते हैं, पर हमने वहां पे जगह खाली नहीं छोड़नी है, क्योंकि खाली जगह छोड़ेंगे तो हमारे को वहां पे फोकट में नुड़ाई गुड़ाई करनी पड़ेगी, और कुछ फसल अगर हम लेंगे वहां पे तो हमने उसकी नुड़ाई गुड़ाई भी लेंगे करेंगे और उससे उत्पादन भी मिलेगा, हमारा सब खर्च है ना वो हमारी इंटरक्रॉप से निकल जाएगा, तो अंदर हमने कुछ ना कुछ सब्जी हल्दी मसाला जरूर लगाना उसके।
ओवरऑल अगर हम देखें अभी 7 एकड़ की खेती में, प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये केमिकल से बिल्कुल अलग है, और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इसकी डिमांड भी काफ़ी अधिक है, लोग आपके खेतों से ही बहुत सारे आपके उत्पाद ले जाते हैं, तो इन 7 एकड़ की खेती में आप कितनी आय जो है सालाना करीब करीब कर लेते होंगे? देखिए अभी फलदार पेड़ में मैंने बताया ज़्यादातर शुरू नहीं हुए हैं, जैसे कुछ हुए हैं अमरूद, केला, अनार कुछ शुरू हुए हैं, और जिसमें सहजन और केला हमारा सबसे ज़्यादा अभी तक का जो मुख्य है, सहजन का पत्ता सबसे ज़्यादा बिका है और केला बिका है, और इंटरक्रॉप में हल्दी बिकी है, तो ये सब मिला के गन्ना और बाग मिला के लगभग 8-10 लाख रुपये आराम से निकल जाता है। ये आने वाले समय में क्योंकि सब फल जो हैं वो फल देना शुरू कर देंगे सब पेड़, तो ये हमारे को लगता है कि आमदनी ये काफ़ी, मतलब आदमी सोच नहीं सकता होगा इतने तक इसकी आमदनी जाने की संभावना है। और हम ज़्यादातर चीज़ों को है ना, जैसे सहजन का पत्ता है या हल्दी है, हम हर चीज़ को प्रोसेस करके बेचते हैं, मंडी पे आधारित हमारा कोई भी आइटम नहीं है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो सहजन का पत्ता है या कोई भी सब्जी है, हम सब अपने सीधे ग्राहक को, अपनी हर चीज़ ग्राहक को देते हैं सीधा। फूल जी की स्टोरी, फूल जी की खेती आपको कैसी लगी? अगर इनसे कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इनका नंबर भी हम आप स्क्रीन पे शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिर फूल जी से अगर संपर्क करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।